Hello students, today's our topic is polynomial. Class 9 के अंदर आपका जो polynomial topic है उसको आज हम discuss करेंगे. Polynomial first चीज जो आती है वो आती है what is the polynomial? Polynomial होता क्या है? कैसे आप पहचानोगे ये polynomial? कोई भी algebraic equation आपके सामने होगा तो आपको decide करना है polynomial है या नहीं. उसके लिए आपके तीन conditions क्या हैं? First power of variable should be पॉजिटिव इंटीजर. जो पावर है वेरिएबल की वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. आप पॉजिटिव इंटीजर को एज ए होल नंबर ले लो, एज ए होल नंबर मतलब वो जीरो से लगाकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव में हो, जीरो वन टू थ्री इस टाइप से हो, फोर मतलब पॉजिटिव इंटीजर. मैन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सेकेंड चीज आपको ले रखें नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी डिफाइंड. डिफाइनेट का मतलब फाइनेट होना चाहिए, मतलब इंफिनिटी तक नहीं हो. नंबर्स में कुछ लिमिटेशन हो, भाई लिमिटेड नंबर्स है 100, 200, 1000 बट लिमिटेड इनफाइनेट नहीं. और थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म्स शुड बी द रियल नंबर. कोएफिशिएंट का मतलब समझ गए, किसी भी टर्म जैसे कि वेरिएबल है उसके आगे क्या है टू, ये सब कोएफिशिएंट तो ये रियल नंबर होना चाहिए. अगर ये इमेजिनरी है तो ये क्या होगा आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा. इन तीन कंडीशंस को आप ध्यान रखें कि पॉलीनोमियल कौन होता है और नहीं होता है. क्योंकि मोस्ट सीधे ये कि आप पहले पहचाने कि पॉलीनोमियल होता क्या है. कुछ एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे इनमें से यस नो में आंसर देंगे कि कौन पॉलीनोमियल है और कौन नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस टू, सबसे पहले आपको वेरिएबल की पावर देखनी है. वेरिएबल की पावर यहाँ पर टू है और टू जो है आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक कंडीशन तो नहीं हो गई है टू इज ए पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि रियल नंबर है, इसलिए ये क्या है पॉलीनोमियल है. क्या होता है इसका? यस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 2 और इस एक्स की पावर 1 दोनों ही क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों की कोएफिशिएंट 1 की वजह से क्या है रियल नंबर है. इसका मतलब ये क्या है? ये भी आपका पॉलीनोमियल है. यस पॉलीनोमियल आप समझना मतलब जो आप फाइंड आउट करते हो उसको अच्छे से समझ लेते हो. पॉलीनोमियल का पूरा यूनिट आपके लिए काफी इजी हो जाता है. एक्स की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर, 4 अपने आप में पॉलीनोमियल है. अपन यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल में जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं हो, ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म जिसके पास साथ कोई वेरिएबल नहीं हो उसको अपन क्या कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं. तो यहाँ पर आपको पॉलीनोमियल है. यहाँ पर देखो रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब हो गया रूट एक्स यानी एक्स की पावर 1/2 और 1/2 जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. आपका क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल नहीं होगा. ये आपका इसमें नो आएगा कि ये आपका पॉलीनोमियल नहीं है. यहां पर देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इस 1/x को मैंने सिर्फ और इसकी पावर -1, जैसे ही -1 आया ऊपर तो आप क्या कर दीजिए -1 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर. इसका मतलब ये कि पॉलीनोमियल आपका नहीं. आई होप आपको पता चल गया होगा पॉलीनोमियल होता है और नहीं होता है. मतलब आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, मोस्टली तो वेरिएबल की पावर देखनी है. अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है इन दैट कंडीशन वो पॉलीनोमियल है, अदरवाइज नहीं. ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पॉलीनोमियल का होगा. अब सेकंड चीज आती है कि पॉलीनोमियल तो ठीक है आपने पता चलिए अब कितने टाइप का होता है. मतलब ये जो पॉलीनोमियल आपने जो फाइंड आउट किया है वो किस टाइप का है वो आप याद रखें. टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल फर्स्ट होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलीनोमियल. मोनोमियल आंसर क्लियर है. मोनो मोनो का मतलब होता है 1, क्या होता है 1 हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें और एक ही टर्म हो ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x 6y एक ही टर्म जैसे इन सब क्या है 2 टर्म्स है इसमें जैसे 1 है बट ये पॉलीनोमियल नहीं है. तो क्या है जिसमें एक ही टर्म हो वो क्या हो गया आपका मोनोमियल. बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो having two terms x plus 2 2y plus 5 तो दो टर्म 1 2 1 2 और ऐसे पॉलीनोमियल भी है. x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, y की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर. ट्राइनोमियल का मतलब 3, तो यहां पर देखिए x² 2x + 4 3 1 2 3 तो 3 टर्म्स हो गई है. 3 टर्म्स तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया. 0 पॉलीनोमियल में क्या होना चाहिए ऑल द टर्म्स ऑफ द पॉलीनोमियल आर 0. पॉलीनोमियल्स की अगर सारी टर्म्स 0 है तो उसको क्या कहेंगे 0 पॉलीनोमियल मतलब जीरो. ओके और लास्ट कांस्टेंट पॉलीनोमियल
कांस्टेंट पे काउंट होगा, पावर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ये आप हमें कंफ्यूजन दूर कर लेना है, ऐसा नहीं हो जाए कि आप कांस्टेंट पे माइनस चेक कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा माइनस वाई पॉलीनोमियल हियर है, यस आई नो, तो ये पॉलीनोमियल है बिकॉज माइनस वाई क्या आएगा कांस्टेंट में काउंट होगा। इसकी पावर किस कैसे चेंज है, कोई भी वेरिएबल के पीछे पावर जीरो नहीं है, किसी भी वेरिएबल की पावर या कांस्टेंट की पावर 1 होती है। इट मींस x की पावर 0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसका तो कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसके क्लियर। ऐसा सो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ पॉलीनोमियल कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स। इतने सारे सारे टाइप्स के आपको पॉलीनोमियल्स फिलहाल ध्यान में रखने हैं, और भी टाइप्स होते हैं वो आप चेक करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो है पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स। पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स यानी पावर कैसे चेक करेंगे, पावर तो आपको पता ही है, ये ऊपर जो लिख रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है उसको पावर कहते हैं। तो यहां पर द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको अपन डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स, यहां डिग्री है याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा, आपका हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिखा होगा, यहां पर इस वेरिएबल की पावर 1 है और इसकी पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं यहां पर। इस तरीके से आपको ये पूरा मैटर क्लियर हो गया है कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको सॉल्यूशन से मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। यस स्टूडेंट, यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिए, फाइंड द पॉलीनोमियल्स। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन पॉलीनोमियल है। यस नो में आंसर, इसको ध्यान से देखिए। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दो वेरिएबल है आपके पास x स्क्वायर एंड x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर। दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये क्या है, पॉलीनोमियल। Thank you.